जय माता दी। महाअष्टमी पर 100 साल बाद बनने जा रहा है इस शुभ संयोग, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन। दोस्तों, महाअष्टमी का बहुत ही महत्व होता है, तो आज हम आपको बताएंगे महाअष्टमी पर बने शुभ संयोग के बारे में, किन राशियों के जातकों को मिलेगा इसका लाभ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखें। आइए भक्तों, हम जानते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसके खास महत्व हैं। इस बार की नवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगा था। शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी इस बार 22 अक्टूबर को होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महाअष्टमी के दिन कुछ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल महाअष्टमी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह राजयोग महाअष्टमी पर लगभग 100 साल बाद बनने जा रहा है, जो कि कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। तो कुछ आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में, क्या है शुभ या अशुभ। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए महाअष्टमी बेहद खास मानी जा रही है। इस शुभ संयोग से मेष राशि वालों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को तरक्की मिलेगी। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है। राजयोगों के कारण इनके पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। नए क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। कन्या राशि, बिजनेस करने वालों को काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके बिजनेस के लिए शुभ फलदायिनी रहने वाली है। कुल मिलाकर बिजनेस करने वालों के लिए यह समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इन्हें निवेश के लिए रास्ते मिलेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान समाज में पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा है। इन्हें अचानक धन लाभ हो सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह राजयोग किसी वरदान से कम नहीं है। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।